शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़, कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसने अपनी खूबसूरत अदाकारी से शायकीन फिल्म के दिल जीत लिए। ठहर जा नूरा, मेरा सुत्ता प्यार जाग गए, मेरे गाल सुन यार, एक पासे तू एक पासे, रह गई गाल मेरी, कभी मैं इस पासे कभी उस पासे। उनके चाहने वाले आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जिस तरह 33 साल पहले किया करते थे। मुनव्वर ज़रीफ़ का ताल्लुक लाहौर के एक इलाके किला गुजर सिंह से था। फन का ये समंदर जब फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो फिल्मी दुनिया में एक इनकलाब बरपा हो गया। उसने अपनी फनी जिंदगी में यूं रंग जमाया कि लोग उसे जी जान से चाहने लगे। उन्हें ना सिर्फ मजाहिया अदाकार के तौर पर बल्कि मजाहिया हीरो के रूप में भी बहुत पसंद किया गया। चुप कर दड़वट जाना इश्क दखोल खलासा, चुप कर दड़वट जाना इश्क दखोल खलासा। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में मुनव्वर ज़रीफ़ का नाम सबसे आगे है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनके पाए का कोई फनकार नजर नहीं आता। मुनव्वर ज़रीफ़ को उनकी बेमिसाल मजाहिया अदाकारी के हवाले से बहुत शोहरत मिली, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उनके स्टाइल को कॉपी किया गया। ऐसा हुआ है कि हमारे हमसाए मुल्क दलमिंदर जी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो उन्होंने मुनव्वर साहब की कॉपी की थी नौकर वोटी दा, और उस टाइमिंग में फिल्म की कॉपी करके उन्होंने कहा है कि मैं इतने बड़े फनकार की कॉपी करने की कोशिश की मगर मुझसे नहीं हुआ। जमाना तो है नौकर बीबी का, कि मैं तन मिला तो तू मेरी बात हार ले। तुम एक वादा कर, ओके, तू बांह के तेल मल के नहीं आएंगी, मतलब मैं तेरी बांह फड़ा तो तू मली मच्छी मंगू तिलक जाए। मुनव्वर ज़रीफ़ की शादी 28 अक्टूबर 1969 में अंजाम पाई। इस शादी को कामयाब बनाने में अदाकार रंगीला पेश थे। बड़ा अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा वक्त था, रंगीला जी थे, उन्होंने बीच में बढ़ के हमारी शादी कराई और उनकी फैमिली सारे थे मेरे साथ में, मेरी फैमिली सारे, तो वी वर वेरी हैप्पीली लिविंग। माशाल्लाह मेरी दो बेटियों की तो शादी करा दी मैंने, जो बड़ी आयशा हैं, और उससे छोटी फायजा उसकी भी शादी करा दी मैंने। एक बच्ची लंदन सेटल हुई हुई है फायजा, और आयशा आजकल इधर लाहौर में दिली है। शुक्र अल्लाह का बच्चियां खुश हैं, और अब तो नानी दादी बन गए हम बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, बस टाइम इस तरह गुजरता जा रहा है। और मेरा फैसल है छोटा सबसे, वो उसकी भी शादी करवा दी लंदन में। जिस तरह लोगों के दिल में उनका प्यार है, जिस तरह उनकी यादें अभी तक जिंदा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे डैड जो है ना दुनिया छोड़ के गए नहीं। मैं तो 6 माह का था, मैंने उनको खुद नहीं देखा। 6 माह के बच्चे को पता है नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, मगर लोगों के मिलने से, जिस तरह लोग उनकी बातें करते हैं मेरे साथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। कि रेस्ट नहीं करते थे, जो शूटिंग वालों ने कहा जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं काम जा रहे हैं, बहुत कम यानी कि फैमिली में आपस में हम लोग होते थे, ज्यादातर शूटिंग कहते था कि मेरा काम ही ये है, मेरा रिज़्क पानी अल्लाह ताला ने यही रखा हुआ है, यही करना है। मैंने खुद भी पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है, और उस फिल्मों में काम करने के बाद मुझे पता लगा कि जिस किस्म के एक्टर, जिस किस्म का टैलेंट उनमें था नेचुरली, वो किसी में नहीं हो सकता। मुझे खुद काम करके पता लगा कि जो मियार उन्होंने हासिल किया था वो करोड़ों में से किसी एक के पास ही होता। मुझे कहते फिक्र ना करना पल्ली लोग, मैं जाके अपने आप को जाके चेक करा के आना हुआ, ये वो नहीं बताया। कहते थे मैं जो भी काम करूंगा मैं अपने माँ बाप की इजाजत से, तो आप लोग अभी मुझे जाने दें, मैं जाके उनकी अपने माँ की बाप की इजाजत लेके ना, मैं 2 महीने में वापस आके मैं ऑपरेशन कर लूंगा। उनके चाहने वालों के लिए यही पैगाम है कि मुनव्वर ज़रीफ लाइफ टाइम में एक दफा ही आते हैं, वो आए हैं चले गए हैं, उन जैसा दोबारा नहीं आ सकता। उनके चाहने वालों को वो दिन हमेशा याद रहेगा जब इस अजीम फनकार ने अपनी खानदानी रिवायत को निभाते हुए ऐन अरूज पर दुनिया फानी से मुंह मोड़ लिया था। मुनव्वर ज़रीफ से लोगों की मोहब्बत और बेपना चाहतों का ये आलम था कि हर आंख उसे आखिरी मर्तबा जी भर कर देख लेना चाहती थी, और आखिरकार उन्हें लाहौर में वाकए बीबी पाक दामन के कब्रिस्तान में
आखिरी आरामगाह नसीब हुई। मनवर जरीफ को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए, लेकिन लगता है जैसे कल की बात हो। बदला ना तेरे बाद भी मौजू गुफ्तगू, तू जा चुका है फिर भी मेरी महफिलों में है।